एसीमेट्रिक सेंटर अदर देन कार्बन, एसीमेट्रिक सेंटर अदर देन क्या कार्बन, कार्बन के अलावा एसीमेट्रिक सेंटर की बात कर रहे हैं, एसीमेट्रिक सेंटर अदर देन कार्बन, कार्बन के अलावा एसीमेट्रिक सेंटर। ठीक है, तो पहला हम लोग देखेंगे केस ऑफ अमोनिया एंड अमोनिकल क्या डेरिवेटिव्स, अमोनिकल डेरिवेटिव्स, अमोनिकल डेरिवेटिव्स, केस ऑफ अमोनिया एंड अमोनिकल डेरिवेटिव। अमोनिया एसिमेट्रिक नहीं होता, प्राइमरी एमीन, अब हम डायरेक्ट ले लेते हैं कंपाउंड, या प्राइमरी एमीन एसिमेट्रिक नहीं होता, सेकेंडरी एमीन एसिमेट्रिक हो सकता है और टर्शियरी एमीन भी एसिमेट्रिक हो सकता है, और क्वाटरनरी अमोनियम केटायन RnH R' और R" R' और R"। अब जरा ध्यान दीजिए, ये दोनों अमोनिया और प्राइमरी एमीन में नाइट्रोजन एसिमेट्रिक नहीं होता, इसमें क्या यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी आएगा, यहाँ लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है और यहाँ भी लोन पेयर है, तो अमोनिया और प्राइमरी एमीन एसिमेट्रिक नहीं होता। तो क्या लिखा जाए, अमोनिया एंड प्राइमरी एमीन्स आर नॉट एसिमेट्रिक, नॉट एसिमेट्रिक, अमोनिया और प्राइमरी एमीन एसिमेट्रिक नहीं होता, सेकेंडरी टर्शियरी एमीन एंड क्वाटरनरी अमोनियम केटायंस, क्वाटरनरी अमोनियम केटायंस आर एसिमेट्रिक, आर क्या एसिमेट्रिक, ये क्या होता है एसिमेट्रिक, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन एंड क्वाटरनरी अमोनियम केटायन क्या होते हैं एसिमेट्रिक होते हैं। ठीक है, अब चले यहाँ एग्जाम्पल लिया जाए एक और, या चलिए स्टार देकर केस लेते हैं, जैसे CH3NH C2H5, यहाँ भी क्या है लोन पेयर है, ये भी नाइट्रोजन एसिमेट्रिक है, और CH3NC2H5 और C3H7, यहाँ भी नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, ये भी नाइट्रोजन एसिमेट्रिक है। ये दोनों कौन है, ये क्या डिग्री है, 2 डिग्री एमीन है, और ये क्या है 3 डिग्री एमीन है। 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन एसिमेट्रिक होता है लेकिन ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। टू डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन्स आर एसिमेट्रिक बट ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, बट ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू क्या, पिरामिडल इन्वर्जन। एक नया टर्म है पिरामिडल क्या इन्वर्जन, पिरामिडल इन्वर्जन। ठीक है, क्या कहा गया, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन जो है वो एसीमेट्रिक हो सकता है लेकिन ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ड्यू टू पिरामिडल इन्वर्जन। तो पिरामिडल इन्वर्जन होता कैसे है, पिरामिडल इन्वर्जन ऑकर्स थ्रू ऑकर्स थ्रू चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन, चेंज इन क्या हाइब्रिडाइजेशन, चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन। पिरामिडल इन्वर्जन ऑकर्स थ्रू चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए पिरामिडल इन्वर्जन है क्या, जैसे मान लिया क्या ले लिए हम लोग, टर्शियरी एमीन का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे N है CH3H और C2H5 है, ठीक है, यहाँ एक लोन पेयर है। ये जो है NCH3H C2H5 और यहाँ एक लोन पेयर है। ये दोनों एक ही तरह का नज़र आता है, इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3 और यहाँ भी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है sp3। और ये क्या होता है, पहले ये पिरामिडल इन्वर्जन होता है चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू। तो यहाँ क्या हो जाता है, जैसे मान लिया CH3NH और यहाँ C2H5 हो जाता है और ये लोन पेयर क्या, ये ऐसे बदल जाता है। पिरामिडल इन्वर्जन ऑकर्स इन चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, ये प्लेनर अपने आप को शो करता है, कैसा शो करता है, प्लेनर, और यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है sp2। तो ये इनैनशियोमेरिक पेयर, जैसे मान लिया कि पिरामिडल इन्वर्जन चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा होता है, यही पिरामिडल इन्वर्जन है। ठीक है, यहाँ पर अगर रखेंगे मिरर तो इसका इमेज बनेगा उल्टा, जस्ट दोनों सेम लगता है। अब जैसे देखिए कि अगर मान लिया ऐसा दिया हुआ है कि यहाँ COOH है, CH3 है, H है, PH है, तो ये इनैनशियोमेरिक पेयर है, यहाँ मिरर लगा देंगे तो इमेज बनेगा, मिरर लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, इमेज बन गया। यहाँ क्या हो जाएगा, COOH है, यहाँ CH3 है, यहाँ H और यहाँ PH है, ये क्या है इनैनशियोमेरिक पेयर है। तो दिस इनैनशियोमेरिक पेयर क्या कहा जाए कि दिस इनैनशियोमेरिक पेयर कैन बी सेपरेटेड एंड देयर ऑप्टिकल क्या एक्टिविटी, देयर ऑप्टिकल एक्टिविटी कैन बी सीन, इसके ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होगा, दिखाई पड़ सकता है। दिस इनैनशियोमेरिक पेयर कैन बी सेपरेटेड एंड देयर ऑप्टिकल एक्टिविटी कैन बी सीन, बट इनैनशियोमेरिक पेयर ऑफ 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन, इनैनशियोमेरिक पेयर ऑफ 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन कैन नॉट बी सेपरेटेड because of सेम लुक एंड इट ऑलवेज क्या बिहेव्स एज क्या इनैनशियोमेरिक पेयर, ऑलवेज बिहेव्स एज रेसमिक मिक्सचर, रेसमिक क्या मिक्सचर। यह हमेशा कैसा बिहेव करता है, रेसमिक मिक्सचर की तरह बिहेव करता है, ऑलवेज बिहेव्स एज रेसमिक मिक्सचर विच इज ऑप्टिकली क्या होता है, ऑलवेज बिहेव्स एज रेसमिक मिक्सचर विच इज ऑप्टिकली क्या इनएक्टिव। ये रेसमिक मिक्सचर की तरह बिहेव करता है और ऑप्टिकली क्या होता है, रेसमिक मिक्सचर क्या होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ऑलवेज बिहेव्स एज रेसमिक मिक्सचर और रेसमिक मिक्सचर क्या होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो पिरामिडल इन्वर्जन 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन में होता है और ओपन चैन सिस्टम में होता है, किस में होता है ओपन चैन सिस्टम में होता है। 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन में होता है, साथ साथ किस में ओपन चैन सिस्टम में ये होता है, क्लोज में नहीं होता, रिंग में नहीं होता। पिरामिडल इन्वर्जन क्या कहा गया कि ये इनैनशियोमेरिक पेयर, कहा गया कि दिस इनैनशियोमेरिक पेयर कैन बी सेपरेटेड and their optical activity can be seen, but ininsiomeric pair of 2 degree and 3 degree amine cannot be separated because of same look and it always behaves as क्या रेसमिक मिक्सचर। ये हमेशा कैसा बिहेव करता है, रेसमिक मिक्सचर की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो पिरामिडल इन्वर्जन 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन के ओपन चैन में होता है। पिरामिडल इन्वर्जन ऑकर्स ओनली इन open chain 2 degree and 3 degree amine, ठीक है। अब चले, अब एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे ऐसा दे दिया गया यहाँ पर नाइट्रोजन क्या है एसीमेट्रिक है 1 बट नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर यहाँ क्या हो जाएगा 0, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा यहाँ, ठीक है। लेकिन यहीं अगर साइक्लिक में है, ऐसे है यहाँ NCH3, यहाँ क्या है एसीमेट्रिक 1 है, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कितना होगा 2, कैसा बिहेव करेगा इनैनशियोमेरिक पेयर तरह। दिस इनैनशियोमेरिक पेयर कैन बी सेपरेटेड एंड their optical activity can be seen। क्या कहा गया, रिंग के अंदर, ये 3 डिग्री एमीन है, रिंग के अंदर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म होगा, इसमें किसी तरह का कोई ये नहीं है। ये नाइट्रोजन एसिमेट्रिक भी है यहाँ नाइट्रोजन क्या है, एसीमेट्रिक है, और नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कितना होगा, 2 होगा, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर 2 होगा, और दोनों कैसा बिहेव करेगा, इनैनशियोमेरिक पेयर की तरह। यानी 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन जो है रिंग के अंदर है तो उसमें ऑप्टिकल आइसोमरिज्म होगा, लेकिन ओपन चैन में है तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पिरामिडल इन्वर्जन होगा, ड्यू टू पिरामिडल इन्वर्जन, ड्यू टू पिरामिडल इन्वर्जन। पिरामिडल इन्वर्जन की वजह से यहाँ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा। तो ये बात समझ गया कि एमीन जो है वो 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन अगर ओपन चैन में है तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा, अगर वो रिंग के अंदर है तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म होगा, क्योंकि वहाँ पर पिरामिडल इन्वर्जन रिंग के अंदर नहीं होता है। कहाँ होता है, ओपन चैन में पिरामिडल इन्वर्जन होता है। पिरामिडल इन्वर्जन कहाँ होता है, ओपन चैन में होता है, रिंग के अंदर पिरामिडल इन्वर्जन नहीं होता। अब जो है तो ये हो गया पिरामिडल इन्वर्जन की बात। अब हम लोग क्वाटर्नरी अमोनियम कैटायन देखें, जैसे N है, CH3H, C2H5 और C3H7। यहाँ पर कौन सा चार्ज है, प्लस, और ये एसिमेट्रिक है। यहाँ नाइट्रोजन क्या है, एसिमेट्रिक है, नाइट्रोजन एसिमेट्रिक सेंटर की तरफ बिहेव करेगा। यहाँ पर नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कितना होगा, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कितना होगा, 2 होगा, और दोनों कैसा बिहेव करेगा, इनैनशियोमेरिक पेयर की तरह। दिस इनैनशियोमेरिक पेयर कैन बी सेपरेटेड एंड their optical activity कैन बी सीन, ऑप्टिकल एक्टिविटी को देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये था आपका पिरामिडल इन्वर्जन। अब बी में है केस ऑफ बाइफिनाइल, केस ऑफ बाइफिनाइल। बाइफिनाइल में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं होता, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। ये क्या हो गया, बाइफिनाइल, इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। बाइफिनाइल इटसेल्फ does not shows क्या, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्या, प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के कारण ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करता। इफ bigger group attach at ortho position of बाइफिनाइल रिंग, अगर बिगर ग्रुप अटैच हो ऑर्थो पोजीशन ऑफ बाइफिनाइल रिंग, देन इट कॉजेज एस्टेरिक रिपल्सन स्टेरिक रिपल्सन, स्टेरिक रिपल्सन एंड स्टेरिक रिपल्सन क्या करता है, स्टेरिक रिपल्सन डिस्ट्रॉय करेगा कोप्लानरिटी को, स्टेरिक रिपल्सन डिस्ट्रॉय कोप्लानरिटी, कोप्लानरिटी ठीक है। इन ऑब्सेंस ऑफ कोप्लानरिटी डिसीमेट्रिक कॉम्स इन द कंपाउंड, पर कोप्लानरिटी खत्म होगा तो डिसीमेट्रिक कंपाउंड में आ जाएगी। इन ऑब्सेंस, इन ऑब्सेंस ऑफ कोप्लानरिटी, प्लानरिटी डिसिमेट्री कम्स इन द कंपाउंड, डिसिमेट्री क्या आ जाती है कंपाउंड के अंदर। क्या कहा गया, बाइफिनाइल इटसेल्फ ऑप्टिकल आइसोमीम शो नहीं करता, क्यों नहीं करता, क्योंकि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, दो इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड किया जा सकता है। लेकिन जब बिगर ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर अटैच होगा तब उसमें डिसिमेट्री आएगी स्टेरिक रिपल्सन के कारण, स्टेरिक रिपल्सन के कारण क्या होगा। क्या कहा गया, इफ बिगर ग्रुप अटैच ऑन ऑर्थो पोजीशन ऑफ बाइफिनाइल रिंग, अगर बिगर ग्रुप अटैच हो जाए ऑर्थो पोजीशन ऑफ बाइफिनाइल रिंग में तो स्टेरिक रिपल्सन अराइज होगा और स्टेरिक रिपल्सन डिस्ट्रॉय करेगा किसको, कोप्लानरिटी को, और जब कोप्लानरिटी को डिस्ट्रॉय करेगा तो उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड के थ्रू रोटेशन कराएंगे, स्टेरिक रिपल्सन डिस्ट्रॉय कोप्लानरिटी ठीक है। इन ऑब्सेंस ऑफ कोप्लानरिटी डिसिमेट्री कम्स इन द कंपाउंड, कम्स इन द क्या कंपाउंड, डिसिमेट्री कम्स इन द कंपाउंड ठीक है। डिसिमेट्री कम्स इन द कंपाउंड विच इज नेसेसरी फॉर, विच इज नेसेसरी फॉर क्या, विच इज नेसेसरी फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज। अब जैसे देख लें ये बाइफिनाइल है, यहाँ पर मान लिया NO2 और यहाँ भी NO2 लग गया, यहाँ COOH है और यहाँ भी क्या है COOH है, ये दोनों आपस में क्या करेगा, कॉज करेगा, स्टेरिक रिपल्सन कॉज करेगा। स्टेरिक रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए क्या करेगा, यहाँ से रोटेट कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ डिसिमेट्री आ गया, यहाँ क्या रह गया, यहाँ आ गया COOH, यहाँ क्या है NO2, यहाँ है NO2 और यहाँ है COOH ठीक है। अब ये डिसिमेट्री हो गया, ये क्या हो गया, इसमें डिसिमेट्री ऑप्टिकली क्या हो गया, ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कितना होगा इसमें, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर 2 होगा और दोनों क्या होगा इनैनशियोमेरिक पेयर, ऑलवेज 2 ही होगा, इसमें 2 से ज़्यादा नहीं होगा, 2 ही हमेशा होगा। तो अगर कोई बिगर ग्रुप ऑर्थो पोजीशन ऑफ बाइफिनाइल रिंग पर आ जाए तो उसमें क्या हो जाएगा, स्टेरिक रिपल्सन होगा। स्टेरिक रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए क्या करेंगे, PH सिंगल बॉन्ड के थ्रू रोटेशन करेंगे, यहाँ क्या होगा रोटेशन ऑकर्स, यहाँ क्या हो गया है रोटेशन ऑकर्स बिटवीन क्या PH सिंगल बॉन्ड, रोटेशन ऑकर्स बिटवीन क्या पीएच सिंगल वन। अब इसके थ्रू रोटेशन हो गया तो ऐसे हो गया, पहले जो है ये ऐसे था, अब ये ऐसे घूम के हो गया, तो क्या हो गया, डिसिमेट्री हो गया। और डिसिमेट्री द नेसेसरी कंडीशन फॉर एग्जीबिशन ऑफ ऑप्टिकल आइसमर, इसीलिए ये ऑप्टिकली क्या हो गया, एक्टिव हो गया। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसमर हमेशा 2 होगा और दोनों क्या कहलाएगा, इनैनशियोमेरिक पेयर कहलाएगा, इनैनशियोमर होगा। ठीक है, तो बाइफिनाइल रिंग अपने आप ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करता क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। कहा गया कि अगर बिगर ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर अटैच हो जाए तो वो एस्टेरिक रिपल्सन कॉज करेगा और एस्टेरिक रिपल्सन प्लेनरिटी को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। ऐसे सिचुएशन में इन अब्सेंस ऑफ प्लेनरिटी डिसिमेट्रिक कंपाउंड में आ जाएगी और जो जरूरी है किसके लिए, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के लिए। इसीलिए बाइफिनाइल के ऑर्थो पोजीशन पर जब बिगर ग्रुप अटैच होता है तो वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करता है, बिगर ग्रुप अटैच होता है तो वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करता है। क्लियर, ये बात हो गई। तो केस ऑफ हम लोग क्या देखे, बाइफिनाइल देखे। 3 चीज़ देखना होता है, एक तो हो गया आपको पहला क्या देखे, ए में देखे थे हम लोग केस ऑफ अमोनिया एंड अमोनिकल डेरिवेटिव, जिसमें पिरामिडल इन्वर्जन देखे हम लोग। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या पढ़े, केस ऑफ बाइफिनाइल। बाइफिनाइल में भी ऐसे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं होता क्योंकि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, लेकिन जब बिगर ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर अटैच हो जाता है तो वैसे सिचुएशन में वो उसमें डिसिमेट्री आ जाती है और डिसिमेट्री आ जाने की वजह से वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करता है। अब चलिए तीसरा इसका सी क्या, केस ऑफ क्यूमलीन, केस ऑफ क्या, क्यूमलीन। क्यूमलीन 2 तरह का होता है। क्यूमलीन पहले हम लोग पढ़ा चुके हैं कि क्यूमलीन उस अल्कीन को कहते हैं जिसमें लगातार डबल बॉन्ड हो। क्यूमलीन उस अल्कीन को कहते हैं जिसमें क्या हो, लगातार डबल बॉन्ड हो। तो क्यूमलीन 2 तरह का होता है, कौन कौन, एक होता है ऑड नंबर और एक होता है इवेन नंबर। एक क्या होगा, इवेन नंबर क्यूमलीन, और एक क्या होगा, ऑड नंबर क्यूमलीन। एक इवेन नंबर क्यूमलीन और एक ऑड नंबर क्यूमलीन। इवेन नंबर क्यूमलीन और ऑड नंबर क्यूमलीन। इवेन नंबर क्यूमलीन ये हो गया इवेन नंबर क्यूमलीन, कैन शोज क्या, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। और नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कितना होगा, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर हमेशा क्या होगा, 2 होगा, दोनों क्या कहलाएगा, इनैनशियोमेरिक पेयर होगा। ठीक है, 2 ही ऑलवेज होगा। ये कितना हूँ, अगर मान लिया ऐसा ले लिए CH3 CH C डबल बॉन्ड C C डबल बॉन्ड CH PH, यहाँ भी नंबर, यहाँ नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कितना होगा, 2 होगा, दोनों क्या होगा, इनैनशियोमेरिक पेयर होगा। और ये ऑलवेज 2 ही होगा, 2 से ज़्यादा कभी भी नहीं होता। ठीक है, ऑड नंबर क्यूमलीन में क्या हो गया, जिसमें ऑड नंबर ऑफ CC डबल बॉन्ड हो। ये क्या शो करता है, यहाँ CH3 है, यहाँ H है, यहाँ CH3 है और यहाँ H है। अब देखो यहाँ, अगर यहाँ हम लोग दिखा सकते हैं कि क्या हो जाएगा, ये डार्कन लाइन पर होगा और ये क्या होगा, ब्रोकन लाइन पर होगा। ये भी हो सकता है, दिखा सकते हैं, ऐसे दिखा दिए। यहाँ कैन शोज क्या, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना होगा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है कौन, ऑड नंबर क्यूमलीन। नंबर ऑफ नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना होगा? दो, ऑलवेज दो ही होगा, वो सिस ट्रांस हो, ई जेड हो और सिन एंटी हो, लेकिन हमेशा क्या होगा? दो ही होगा। यहाँ भी अगर CH3 CH डबल वन C डबल वन C डबल वन C डबल वन C डबल वन CH और CH3, 1 2 3 4 5 ये भी ऑड नंबर है। यहाँ भी नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना होगा? नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमेशा दो होगा, ऑलवेज दो ही होगा, वो 3 हो 5 हो 7 हो 9 हो 11 हो 13 हो। इवन नंबर क्यूमलीन में हमेशा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा और वो हमेशा क्या होगा? दो होगा। तो अब चलें, नोट करके लिख लें क्या कि इवन नंबर क्यूमलीन कैन shows ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इवन नंबर क्यूमलीन कैन shows ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, ओनली इफ बोथ टर्मिनल, क्या बोथ टर्मिनल कार्बन एटम्स बोथ टर्मिनल कार्बन एटम्स बियर्स टू डिफरेंट ग्रुप, यानी ऑड नंबर क्यूमलीन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इवन नंबर क्यूमलीन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है सिर्फ तब जब दोनों टर्मिनल कार्बन एटम पर दो डिफरेंट ग्रुप हो। ऑड नंबर क्यूमलीन कब शो कर सकता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर? जब दोनों टर्मिनल पर दो डिफरेंट क्या हो? ग्रुप लगा हुआ हो, बियर्स टू डिफरेंट ग्रुप, ठीक है, ये हो गया। अब जो है एक क्वेश्चन क्या, व्हिच ऑफ द following which of the following compound can shows क्या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ए में दिया हुआ है बी में दिया हुआ है सी में दिए हुआ है और डी में दिया हुआ है ऐसे। अब देखें, ये एक रिंग बराबर एक पाई बॉन्ड होता है। एक रिंग के बराबर क्या होता है? पढ़े थे ना अनसैचुरेशन फैक्टर, एक का मतलब एक पाई बॉन्ड या एक रिंग। तो यहाँ एक रिंग और एक पाई बॉन्ड दोनों मिलकर दो पाई बॉन्ड के बराबर हो गया। तो ये क्या हो गया? इवन नंबर क्यूमलीन हो गया। तो यहाँ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा, यहाँ दो ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा। ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर में क्या होता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। यहाँ क्या होगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा और ये भी दो होगा, और यहाँ क्या होगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा और ये भी दो होगा। यहाँ क्या होगा? 1 2 3 4 4 है, इवन नंबर क्यूमलीन। यहाँ भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा और हमेशा क्या होगा? दो नंबर होगा, दो ही होगा इसमें। इसमें तो दोनों, ये इवन नंबर है लेकिन दोनों क्या होगा? मिथाइल लगा हुआ है ऊपर, इसीलिए ये ऑप्टिकल आई स्विंग शो नहीं करेगा, तो ये और ये दो ही शो करेगा ऑप्टिकल आई स्विंग। क्लियर? तो ये हो गया आपका तीन केस कि जो अदर देन कार्बन की बात अगर करते हैं, ऑड नंबर क्यूमलीन, इवेन नंबर क्यूमलीन, जो क्यूमलीन है क्यूमलीन में इवेन नंबर क्या शो करता है ऑप्टिकल आई स्विंग, और ऑड नंबर पहले ही पढ़ चुके हैं कि ज्योमेट्रिकल आई स्विंग शो करता है। इवेन नंबर कितना हूँ कार्बन एटम हो, कितना हूँ डबल बॉन्ड हो, 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो 10 हो, हमेशा नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर 2 ही होगा। और ये कब ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा? जब दोनों टर्मिनल कार्बन पर क्या लगा हो, 2 डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ हो। और ऑड नंबर क्यूमलीन ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है, वो 3 डबल बॉन्ड हो, 5 हो 7 हो 9 हो 11 हो, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमेशा 2 ही होगा। और वो भी तब ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, कोई भी क्यूमलीन ज्योमेट्रिकल या ऑप्टिकल आइसोमर तब शो करता है जब उसके दोनों टर्मिनल कार्बन पर, किनारे वाले पर 2 डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ हो। ये शर्त है। क्लियर? अब जो है हम लोग एक केस है उसको देखेंगे, और वो क्या है, वो केस है हम लोगों को देखना है किस चीज़ के बारे में, तो एरिथ्रो एंड थेरियो आइसोमेरिक, एरिथ्रो एंड थेरियो आइसोमेरिक, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिक की बात है। ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिक का ही एक केस है, एरिथ्रो एंड थेरियो आइसोमेरिक। एरिथ्रो एंड थेरियो आइसोमेरिक उस कंपाउंड में होता है जिसमें 2 एसीमेट्रिक सेंटर हो, उस कंपाउंड में होता है जिसमें 2 एसीमेट्रिक सेंटर हो, दोनों एसीमेट्रिक सेंटर पर 2 सेम ग्रुप लगा हो और 1 डिफरेंट ग्रुप लगा हो, 2 क्या लगा हो, सेम ग्रुप लगा हो और 1 डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ हो। अगर दोनों सेम ग्रुप एक साइड में है तो उसको एरिथ्रो कहेंगे, अगर अपोजिट साइड में है तो उसको थेरियो कहेंगे। ठीक है? एरिथ्रो एंड थेरियो आइसोमेरिक। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, एरिथ्रो एंड थेरियो आइसोमेरिक, एरिथ्रो एंड थेरियो आइसोमेरिक। फिर से एक बार समझ लें, एरिथ्रो एंड थेरियो आइसोमेरिक उस कंपाउंड में होता है जिसमें 2 एसिमेट्रिक सेंटर हो और दोनों एसिमेट्रिक सेंटर पर 2 ग्रुप आइडेंटिकल लगा हो और 1 ग्रुप डिफरेंट लगा हो। अगर दोनों आइडेंटिकल ग्रुप एक के साइड में है, दोनों आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड में है तो उसको क्या कहेंगे, एरिथ्रो आइसोमर कहेंगे। और अगर वो अपोजिट साइड में है तो थेरियो आइसोमर कहेंगे। तो क्या लिखे हम लोग, एरिथ्रो एंड थेरियो आइसोमेरिक, एरिथ्रो एंड थेरियो आइसोमेरिक। एरिथ्रो और थेरियो 2 तरह के आइसोमर्स होते हैं, एरिथ्रो आइसोमर और थेरियो आइसोमर, एरिथ्रो आइसोमर और थेरियो आइसोमर नहीं, 2 तरह के आइसोमर होते हैं, एरिथ्रो एंड थेरियो। जैसे यहाँ लिखा गया एरिथ्रो आइसोमर एंड थेरियो आइसोमर। क्या कहा गया, ये उस सिस्टम में लागू होगा जहाँ 2 ग्रुप लगा हो, जहाँ पर 2 एसिमेट्रिक सेंटर हो, जिसमें 2 ग्रुप क्या हो, आइडेंटिकल हो और 1 ग्रुप क्या हो, डिफरेंट हो। अगर दोनों आइडेंटिकल ग्रुप क्या रहेगा, सेम साइड में रहेगा तो उसको क्या कहेंगे हम लोग। अगर ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं कि यहाँ Br ले लें और यहाँ Cl ले लें, यहाँ H और यहाँ H है, दोनों आइडेंटिकल ग्रुप जब सेम साइड में रहेगा तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, एरिथ्रो कहते हैं। और ये अगर अपोजिट साइड में रहा तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, थेरियो कहेंगे। ये क्या होगा, थेरियो होगा। एरिथ्रो आइसोमर होगा और ये थेरियो आइसोमर होगा। एरिथ्रो और थेरियो कब कहते हैं, जब दो ही ग्रुप लगा हो और दोनों ग्रुप क्या हो, जब दो ग्रुप लगा हो और दोनों ग्रुप सॉरी अगर कंपाउंड में दो एसीमेट्रिक सेंटर हो, दोनों एसीमेट्रिक सेंटर पर दो ग्रुप आइडेंटिकल लगा हो और एक ग्रुप डिफरेंट लगा हो, अगर दोनों आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड में है तो उसको एरिथ्रो कहते हैं और अपोजिट साइड में है तो थेरियो कहते हैं। दिस सिस्टम ऑफ ये एक तरह का नोमेनक्लेचर है। दिस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर इज अप्लाइड ओनली इन दोज केसेस ऑफ फ्यूचर प्रोजेक्शन which contain क्या कहा गया, दिस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर इज अप्लाइड ओनली इन दोज केसेस ऑफ फ्यूचर प्रोजेक्शन इन व्हिच या फ्यूचर प्रोजेक्शन व्हिच कंटेन टू एसीमेट्रिक कार्बन एंड which contain two asymmetric carbon या asymmetric two एसीमेट्रिक सेंटर having two identical and one different group क्या कहा गया, ये नोमेनक्लेचर उस सिस्टम में लागू होगा जहाँ दो आइडेंटिकल और एक डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ हो, ठीक है। इफ बोथ आइडेंटिकल ग्रुप्स आर प्रेजेंट on same side of the functional group, क्या लिखा है, if both identical groups are present on same side इन फ्यूचर प्रोजेक्शन कर ले, सेम साइड इन फ्यूचर प्रोजेक्शन देन इट इज कॉल्ड क्या, एरिथ्रो आइसोमर। Then it is called एरिथ्रो आइसोमर, अदरवाइज क्या, थेरियो आइसोमर कहा गया कि ये नोमेनक्लेचर उस सिस्टम में लागू होता है जिसमें दो ही ग्रुप लगे हुए हों। कितना ग्रुप लगा हो, दो ग्रुप लगा हो, दो एसीमेट्रिक सेंटर हो जिसमें दो आइडेंटिकल ग्रुप लगा हो और एक डिफरेंट ग्रुप लगा हो। अगर दोनों आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड में है, अगर दोनों आइडेंटिकल ग्रुप क्या है, सेम साइड में है, तो उसको एरिथ्रो कहेंगे, और अगर अपोजिट साइड में है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, थेरियो कहेंगे। तो एरिथ्रो और थेरियो आइसोमेरिज्म देखा गया, एरिथ्रो आइसोमेरिज्म और थेरियो आइसोमेरिज्म, ये दो एसीमेट्रिक सेंटर के फीसर प्रोजेक्शन में नेमिंग लागू होता है। क्या कहा गया कि अगर दोनों आइडेंटिकल ग्रुप एक ही साइड में रहेगा तो उसको एरिथ्रो कहेंगे, और जब अपोजिट साइड में रहेगा तो उसको थेरियो कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गई बात। अब चलें, अब इसके बाद दो तीन टर्म है, क्या क्या टर्म है इसमें उसको हम लोग देखें। दो तीन टर्म है जिसको हम लोग इसमें देखते हैं। क्वेश्चन बनाने में ये सब टर्म यूज होगा। क्या क्या है, पहले दिया हुआ है आपका के हो गया आपका क्या, स्टीरियोजेनिक सेंटर, इसको हम लोग एसीमेट्रिक सेंटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एसीमेट्रिक सेंटर का ही दूसरा नाम क्या है, एसीमेट्रिक सेंटर का ही दूसरा नाम क्या है, स्टीरियोजेनिक सेंटर। तो ये एक टर्म मिलेगा आपको, एसीमेट्रिक सेंटर को ही क्या कहते हैं, स्टीरियोजेनिक सेंटर। पूछेगा क्वेश्चन में कि इस कंपाउंड में कितना स्टीरियोजेनिक सेंटर है। अब देखें दूसरा टर्म मिलेगा स्टीरियोजेनेसिस, स्टीरियो क्या जेनेसिस या स्टीरियोजेनोलाइसिस, ये किसको कहते हैं, प्रोडक्शन ऑफ एसीमेट्रिक कार्बन, एसीमेट्रिक सेंटर, प्रोडक्शन ऑफ एसीमेट्रिक सेंटर इन ए नॉन एसीमेट्रिक कंपाउंड, इन ए नॉन एसीमेट्रिक कंपाउंड, एसीमेट्रिक क्या कंपाउंड। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल लीजिए, जैसे मान लिया यहाँ CH3 है, CH है, डबल वन CH और CH3 है। इसका अगर हम, इसमें एसीमेट्रिक सेंटर नहीं है, इसका क्लोरीनेशन करा दिए CCl4 के प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा ये CH3, ये एंटी एडिशन होता है। क्या होता है जी, एंटी एडिशन होता है। इसमें दो एसीमेट्रिक सेंटर हो गया, इसमें क्या है एसीमेट्रिक सेंटर हो गया दो। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, स्टीरियोजेनेसिस या स्टीरियोजेनेसिस या स्टीरियोजेनोलाइसिस। अगर यहाँ देख लो, अगर यहाँ सीस रहा, ये क्या रहा, सीस आइसोमर है, ये क्वेश्चन है, सीस आइसोमर है, और इसका हम लोग ब्रोमिनेशन करा रहे हैं किसके प्रेजेंस में, CCl4 के प्रेजेंस में। तो इससे क्या होगा, इनैनशियोमेरिक पेयर बनेगा। क्या बनेगा, इनैनशियोमेरिक, एक बी आर इधर जुटेगा, एक बी आर इधर जुटेगा, एच एच CH3 CH3, तो क्या बन जाएगा ये इनैनशियोमेरिक पेयर बनेगा। एंटी एडिशन होता है, याद रखेंगे कौन सा एडिशन होता है, ये एंटी एडिशन है। कौन सा एडिशन है जी, एंटी एडिशन है, ठीक है। यहाँ H और यहाँ Br हो गया CH3, तो सीस सबस्ट्रेट हो, इस तरह का एडिशन हो, तो क्या बनेगा ये इनैनशियोमेरिक पेयर बनेगा। अगर ट्रांस सबस्ट्रेट हो, दूसरा क्वेश्चन हो गया कि CH3 CH डबल बॉन्ड सी एच और सी एच थ्री, इस पर भी ब्रोमिनेशन कराया, ब्रोमीन का एडिशन कराया जाए CCl4 के प्रेजेंस में, तो क्या हो जाएगा ये मेजो बनेगा। क्या बनेगा? दोनों Br एक साइड में हो जाएगा, दोनों हाइड्रोजन एक साइड में, एंटी एडिशन होगा तो उसके उल्टा होगा ना, तो ये क्या बन गया? मेजोमर बन गया, मेजोमर। ठीक है, तो सीस सब्सट्रेट, देखो तो इसमें एसीमेट्रिक सेंटर था नहीं, इसमें एसीमेट्रिक सेंटर पैदा किया गया, इसलिए ये क्या हो गया? स्टीरियोजेनेसिस या स्टीरियोजेनोलाइसिस हो गया, स्टीरियोजेनेसिस या स्टीरियोजेनोलाइसिस ये हो गया। अब देखिए स्टीरियोजेनेसिस या स्टीरियोजेनोलाइसिस की बात जो है उस पर अब हम लोग एक और क्वेश्चन कर लें। जैसे स्टीरियोजेनेसिस या स्टीरियोजेनोलाइसिस की बात है तो क्या हो जाएगा? प्रोडक्शन ऑफ एसीमेट्रिक सेंटर कहा गया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्टीरियोजेनेसिस या स्टीरियोजेनोलाइसिस की बात होगी। अब चलो यहां देखें, जैसे एक तीसरा क्वेश्चन, ये भी दोनों क्वेश्चन ही था। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि जैसे मान लिया हम क्या ले लिए CH3 हो गया, यहाँ क्या ले लिया हमने Cl2H के प्रेजेंस में, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, जितना टाइप का हाइड्रोजन उतने तरह का प्रोडक्ट बनेगा। तो CH3 पहला बना, दूसरा क्या बनेगा? CH3 चूँकि सबसे पहले 3 डिग्री पर रिएक्शन होगा, तब 2 डिग्री पर रिएक्शन होगा, यहाँ हो गया, और तब 1 डिग्री पर रिएक्शन होगा, तो यहाँ Cl जुट जाएगा, CH3 CH2 CH3, इससे 4 प्रोडक्ट बनेगा। क्या क्लोरीनेशन प्रोडक्ट बनेगा? 4। क्यों 4 बनेगा? क्योंकि इसमें 4 टाइप का हाइड्रोजन है, इसमें टाइप ऑफ हाइड्रोजन कितना है तो देख सकते हैं, ये CH3 और ये CH3 क्या है? एक टाइप का है, फिर ये CH3 दूसरे टाइप का है, ये CH2 तीसरे टाइप का है, और ये CH चौथे टाइप का है। तो इसमें टाइप ऑफ हाइड्रोजन 4 है, तो 4 तरह का प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो जब क्लोरीन यहाँ जुटा तो ये एसीमेट्रिक सेंटर हुआ, और यहाँ भी क्लोरीन जुटा तो ये एसीमेट्रिक सेंटर हुआ, तो इस स्टीरियोजेनेसिस हुआ कि नहीं? एसीमेट्रिक सेंटर का प्रोडक्शन हुआ। ये हो गई बात। तो ये स्टीरियोजेनेसिस, एक कहता है म्यूटा रोटेशन, क्या होता है? म्यूटा रोटेशन, म्यूटेशन से ये बना है, सडन चेंज, सडन चेंज सडन चेंज इन म्यूटा रोटेशन किसको कहेंगे? सडन चेंज इन रोटेशन, सडन चेंज इन रोटेशन इज कॉल्ड क्या? म्यूटा रोटेशन, म्यूटा रोटेशन माने किसी कंपाउंड में तुरंत चेंज हो जाए। अब कहा गया एक क्वेश्चन होगा कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज एराइजेज ड्यू टू क्या क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज एराइजेज ड्यू टू चेंज इन इंथाल्पी, दूसरा चेंज इन इंट्रोपी, तीसरा इंट्रोपी को ही रैंडमनेस कहते हैं, चेंज इन मेल्टिंग पॉइंट और नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज कौन हो जाएगा। इंट्रोपी चेंज की वजह से ऑप्टिकल आइसीमी एराइज होता है। म्यूटा रोटेशन, सडन चेंज इन रोटेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, म्यूटा रोटेशन। अब म्यूटा रोटेशन से क्या होता है, जब डायस्टियोमर है वो इनैनशियोमर में बदल सकता है, इस तरह की चीज़ टर्म ये मिलेगा सब, ठीक है। अब आखिरी पॉइंट में हम लोग अब इसके आखिरी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का आखिरी पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, एनालिसिस करेंगे कि अगर नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर से कोरिलेट करके, ये बात समझ में आ गई। तीन चीज़ जो है टर्मोलॉजी में मुझ पूछेगा, पहला क्या पूछेगा कि म्यूटेशन क्या है, म्यूटा रोटेशन, म्यूटेशन बायोलॉजी में पढ़ना है, सडन चेंज को कहते हैं, कोई चेंजिंग ऑल ऑफ सडन कंपाउंड में डेवलप हो जाए या नए कंपाउंड, नए ओरिजिनेटेड ग्रुप में डेवलप हो जाए तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, म्यूटेशन। उसी तरह से पहले कोई कंपाउंड डायस्टियोमर था, रोटेशन एक मान लिया एक आइसोमर में 90 डिग्री रोटेशन हुआ है, एक आइसोमर में 75 डिग्री रोटेशन हुआ, लेकिन कुछ देर के बाद देखा गया कि दोनों में क्या हो गया, सेम रोटेशन हो गया 90-90 डिग्री, और जो डायस्टियोमर कहलाता था वो क्या हो गया, इनैनशियोमर कहलाने लगा। तो ये किस वजह से हुआ, म्यूटेशन की वजह से, म्यूटा रोटेशन की वजह से, सडन चेंज की वजह से, सडन चेंज की वजह से ऐसा सिचुएशन एराइज हुआ, ठीक है। अब चलो, सडन चेंज की वजह से ये सिचुएशन एराइज हुआ, तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे। अब एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कि अगर मान लिया कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इसमें एसीमेट्रिक कार्बन हो भी सकता है, हैविंग एसीमेट्रिक कार्बन, हैविंग क्या, एसीमेट्रिक कार्बन या सेंटर, हैविंग एसीमेट्रिक कार्बन, और हैविंग नो एसीमेट्रिक कार्बन, हैविंग क्या, नो एसीमेट्रिक कार्बन, हैविंग नो एसीमेट्रिक कार्बन, एसीमेट्रिक कार्बन, एसीमेट्रिक कार्बन हो और एसीमेट्रिक कार्बन नहीं हो। अगर एसीमेट्रिक कार्बन हो तो ये क्या हो सकता है, एसीमेट्रिक कार्बन की संख्या क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, या एसीमेट्रिक कार्बन की संख्या, एसीमेट्रिक कार्बन क्या हो सकता है, मोर देन 1 हो सकता है। अगर 1 होगा तो क्या होगा, अब ये देखना है। मान लिया यहाँ ले लिया हम COOH CH3H और PH, ये आपका R है, और ये जो है एक आइसोमर बनाएगा मिरर इमेज, क्या हो जाएगा यहाँ CH3H COOH और PH हो गया। तब देखिए ये दोनों, ये पहला और ये दूसरा हो गया, ये हमेशा क्या होगा, दोनों बोथ आर क्या होगा बोलो, फर्स्ट एंड सेकेंड क्या होगा, या अगर एक एसीमेट्रिक सेंटर रहेगा तो क्या होगा, यह हमेशा डी सीमेट्रिक होगा, क्या होगा, डी सीमेट्रिक होगा, डी सीमेट्रिक होगा, ऑप्टिकली क्या होगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाएगा, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल क्या मिरर इमेज होगा, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज और डिफरेंट ऑप्टिकल आइसोमर होगा, क्या होगा, डिफरेंट ऑप्टिकल आइसोमर होगा और बोथ आर क्या होगा, बोथ आर इनैनशियोमेरिक पेयर ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का क्या होगा, इनैनशियोमेरिक पेयर होगा, इनैनशियोमेरिक पेयर ऑफ ईच अदर, कोई दिक्कत नहीं। एक एसीमेट्रिक सेंटर रहेगा तो हमेशा डिसीमेट्रिक, हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाएगा, डिफरेंट ऑप्टिकल आइसोमर होंगे, अब बोथ आइसोमर क्या हो जाएगा, बोथ आर इनैनशियोमेरिक पेयर ऑफ ईच अदर। अब देखें एसीमेट्रिक सेंटर से ज़्यादा अगर होगा तो वो डिफरेंट हो सकता है या सेम हो सकता है। अगर डिफरेंट होगा तो जैसे बना लीजिए फिगर, यहाँ ले लिए CHO OH, HH और CH3, तो ये क्या होगा, ये तो डिफरेंट हो गया, और ये अगर क्या हो गया ऐसे ले लिए तो यहाँ CH3 OH, HH और CH3, तो ये क्या होगा, इसके बारे में भी 5 पॉइंट, ये भी क्या है, डिसिमेट्रिक है, ऑप्टिकली ये भी क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होगा, नॉन सुपर इम्पोजेबल क्या मिरर इमेज होगा, डिफरेंट ऑप्टिकल आइसोमर होगा, डिफरेंट ऑप्टिकल आइसोमर होगा, और यहाँ अगर मिरर इमेज बना देते हैं तो इससे और क्लियर हो जाएगा, यहाँ CHO है और यहाँ CH3 है, डिफरेंट ऑप्टिकल आइसोमर और बोथ आर क्या हो जाएगा, बोथ आर इनैनशियोमेरिक पेयर ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे का क्या होगा, इनैनशियोमेरिक पेयर होगा। आइए सिमिलर है तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, ये क्या हो जाएगा जी, सिमेट्रिक हो जाएगा, ऑप्टिकली क्या होगा, ये इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाएगा, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होगा और सेम ऑप्टिकल आइसोमर हो जाएगा, सेम ऑप्टिकल आइसोमर होगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेजोमर, दैट इज क्या हो जाएगा, मेजोमर होगा, ये मेजोमर होगा, ये भी, ये और इसका मिरर इमेज दोनों सेम ही होगा, ये और इसका मिरर इमेज बना दे दोनों क्या हो जाएगा, सेम ही होगा, अलग अलग नहीं है, ये दोनों क्या है, सेम है, इसलिए इसको हम लोग क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, ये दोनों दो नहीं है। अगर नो एसीमेट्रिक सेंटर, एसीमेट्रिक सेंटर नहीं होता तो कोई बात ही नहीं है। तो एसीमेट्रिक सेंटर नहीं हो तब भी ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। जैसे इवेन नंबर क्यूमलीन हम लोग देखे थे तो क्या कहा गया एनालिसिस में, ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो दो तरह का होगा, या तो उसमें एसीमेट्रिक सेंटर होगा या एसीमेट्रिक सेंटर नहीं होगा। एसीमेट्रिक सेंटर होगा तो एक भी हो सकता है एसीमेट्रिक सेंटर और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। अगर एक एसीमेट्रिक सेंटर होगा तो वो हमेशा डिसीमेट्रिक होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाएगा, डिफरेंट ऑप्टिकल आइसोमर होंगे और दोनों आइसोमर के बीच का रिलेशन क्या होगा, बोथ आर इनैनशियोमेरिक पेयर ऑफ ईच अदर। फिर अगर एसीमेट्रिक सेंटर दो से ज़्यादा हो, माने एक से ज़्यादा हो तो दो हो, तीन हो, चार हो, सिमिलर भी हो सकता है और डिसिमिलर भी हो सकता है। अगर डिफरेंट है तब क्या हो जाएगा, डिसीमेट्रिक वो भी होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाएगा, डिफरेंट ऑप्टिकल आइसोमर हो गए और दोनों के बीच का रिलेशन क्या कहलाएगा, इनैनशियोमेरिक पेयर कहलाएगा। और सेम होगा तो सिमेट्रिक हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होगा, सेम ऑप्टिकल आइसोमर होगा और ये मेजोमर कहलाएगा। ठीक है, तो यहीं पर हम लोगों का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या हो गया, समाप्त हुआ।